आधुनिक युग में तेजी से बदलते समय में साथ हर कोई तकनीक के कैद में बंधता जा रहा है। एक और सोशल मीडिया युवाओं को नशे की लत से भी बुरी तरह बर्बाद कर रही है, वहीं अब मोबाइल एक वरदान से बजाय अभिशाप बनता जा रहा है। हाल ही में इसका उदाहरण हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला। वैसे तो हम सभी अपने आप से पड़ोस से रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल का आदि होते देख सकते हैं, जो ज्यादातर समय मोबाइल में खोए नजर आते हैं। वहीं अगर उनसे मोबाइल वापस ले लिया जाए तो इसका उन पर काफी बुरा प्रभाव चंद सेकंड में देखने को मिल जाता है। हाल ही में एक ऐसा ही घटना देखने को मिली है। दरअसल आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें एक महिला को रोते सुना जा सकता है, जो अपने मोबाइल पर घर के बुरे हालात को दिखाते देखी जा रही है। वीडियो में घर में हुई तोड़फाड़ को देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी चोर या फिर डकैत ने उसके घर का इतना बुरा हाल किया है। फिलहाल वीडियो को शेयर करने के साथ ही दीपांशु कैप्शन में लिखा, घर पर ये तबाही 15 वर्षीय बच्चे ने मचाई क्योंकि उनकी मां ने उनका मोबाइल फोन ले लिया था। दृश्य देखकर स्पष्ट है कि माता पिता के लिए आज की पीढ़ी को मोबाइल एडिक्शन से बचने और इमोशन और एक्शंस पर नियंत्रण रखने की सीख परवरिश में देना कितना जरूरी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोबाइल छीनने पर एक छोटे से बच्चे ने पूरे घर में तोड़ फोड़ कर दी। इससे लाखों का नुकसान साफ देखा जा रहा है। बच्चे ने घर की टीवी से लेकर किचन और बाकी सामानों को तोड़ दिया था। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं यूजर्स अपने बच्चों को मोबाइल के लत से बचाने की बात कह रहे हैं। Take the baby bag. Explain this to my job. Explain this to my job.